नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार गुरु गोरक्षकनाथ की नगरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार का आगाज करेंगे। जी हाँ, खाद कारखाने का लोकार्पण करके यूपी के किसानों को साधेंगे और ऐसे में साथ ही विकास का एजेंडा बताकर मिशन 2022 में फिर जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव फरवरी या मार्च में कराए जा सकते हैं और इससे पहले ही बीजेपी सरकार विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कराना चाहती है। इसी क्रम में ही 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खाद कारखाने का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और लोकसभा या फिर यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज प्रधानमंत्री मोदी गुरु गोरक्षकनाथ की धरती से ही करते हैं। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे तब यानी 2014 में भी मानबेला मैदान में बड़ी रैली की थी और 2017 के यूपी विधानसभा में चुनाव प्रचार का आगाज भी खाद कारखाना मैदान से ही किया गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी खाद कारखाना मैदान में बड़ी रैली की गई थी और इस रैली में किसान निधि देने का भी ऐलान किया गया था। इस ऐलान के बाद देश भर के किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपए भेजने का सिलसिला भी शुरू किया गया था। अब आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोरखपुर वासियों को ये विकास का तोहफा देने का सिलसिला भी जारी रहेगा। एम्स गोरखपुर का लोकार्पण भी होना है और इसकी ओपीडी भी चल रही है और जल्द ही 750 बेड का अस्पताल भी बनकर तैयार हो जाएगा और फिर उद्घाटन की तिथि भी तय कर ली जाएगी। एम्स का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। बता दें, दिसंबर 2021 से पहले ही लोकार्पण की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में 91 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कराया जाना है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। वही मिट्टी डालने का काम भी चल रहा है और इसका शिलान्यास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। तो यानी कि विधानसभा चुनाव अब यूपी में होने वाले हैं अगले साल की शुरुआत में, तो ऐसे में अब पूरी तरह से बीजेपी जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है और चुनाव के लिए रणनीति भी पूरी तरह से तैयार है और गोरखपुर से ही प्रधानमंत्री मोदी आगाज करने वाले हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर डिनर में कैप्टन समेत करीब 60 विधायकों और 8 सांसदों को शामिल होने का दावा किया गया है। राज्य में 4 मंत्री मुख्यमंत्री को बदले जाने की मांग कर रहे हैं, उनमें से 3 मंत्री दिन में ही बता दें मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के धड़ों के बीच टकराव की पृष्ठभूमि में सिंह ने पार्टी विधायकों के साथ ही बैठक की। सिद्धू ने एक बार फिर अमरिंदर सिंह को बिजली दरों में कमी किए जाने के वादे की याद दिला दी। सिद्धू ने सिंह का एक वीडियो भी टैग करते हुए ट्वीट में कहा कि कांग्रेस पार्टी घरेलू बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और औद्योगिक बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट देने के लिए अपने संकल्प के साथ साथ सब्सिडी देने के संकल्प पर भी कायम है। इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। तो बता दें, पंजाब में सीएम कैप्टन ने अमरिंदर सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया है और ऐसे में बता दें कि मंत्री गुरमीत सिंह के घर पर कई विधायकों और कई सांसदों के आने का दावा भी किया गया। डिनर पर इन सभी को बुलाया गया था। तो ऐसे में अब जो है पंजाब कांग्रेस में घमासान कहीं ना कहीं अब भी चलता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्कलह, ये जो घमासान चल रहा है इसका नतीजा जो है वो आगे देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि अभी भी कैप्टन और सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि ये कहा जरूर गया था कि कैप्टन और अमरिंदर सिंह के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जिस तरह से हर रोज ये जानकारी मिलती है, हर रोज तरह तरह की खबरें सामने आती हैं, तो उससे यही लगता है कि अभी भी पंजाब कांग्रेस में आपस में भी गुटबाजी चल रही है और सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, अब प्रदेश में घटते मामलों के बावजूद भी कोविड प्रोटोकॉल का
कड़ाई से पालन करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यानी कि अब रात 9 बजे से पुलिस स्कूटर बचाकर लोगों और दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए सचेत करेगी। पुलिस की ओर से स्कूटर बजाने के पीछे मकसद ये है कि रात 10 बजे तक प्रदेश की सभी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। बता दें कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश के हालात काफी बेहतर हैं। सक्रिय केस भी हो या फिर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की बात हो, प्रदेश सरकार द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों का ही परिणाम है कि आज सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूपी दूसरे प्रदेशों से कोरोना पर लगाम लगाने में अव्वल है। इसीलिए सक्रिय मामलों में यूपी के हालात दूसरे राज्यों से बेहतर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या अब 442 है, वहीं आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश से काफी कम आबादी वाले अन्य राज्यों में अब भी संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ऐसे में दूसरे राज्यों में हजारों की संख्या में सक्रिय केस दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में 50,148 केस, केरल में 1,170,000 और 312 और कर्नाटक में 19,318, तमिलनाडु में 18,392, आंध्र प्रदेश में 14,601 और पश्चिम बंगाल में 9,185, तेलंगाना में 6,295 कोरोना के एक्टिव केस अभी भी हैं। और ऐसे में सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय से तेजी से संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकी है। केरल के मुकाबले यूपी के हालात काफी बेहतर हैं और केरल में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर पर उत्तर प्रदेश ने काफी हद तक काबू भी पा लिया है और करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले केरल में 26 अगस्त को 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जो देश में दर्ज किए जाने वाले कुल मामलों का सबसे बड़ा हिस्सा रहा था। वहीं 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान भी सिर्फ 19 मामले ही दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कहा है। प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर पर लगाम लगाने संग चिकित्सकीय सुविधाओं में तेजी से इजाफा किया जा रहा है और इसीलिए ज्यादा जनसंख्या वाले यूपी में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा टेस्टिंग किए जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा टेस्टिंग में 19 नए मामले सामने आए और अब तक प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई है, जबकि पॉजिटिविटी दर भी 0.01 बनी हुई है और रिकवरी दर भी 98.6% है। आपको यह भी बता दें कि बीते 24 घंटे में 60 जिलों में एक भी नया मरीज कोरोना का सामने नहीं आया है। कल सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के 37 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से अफगानिस्तान में भारत के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान के हालात अभी बहुत गंभीर है, सरकार वहां से अपने हर नागरिक को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान को लेकर दूसरे मित्र राष्ट्रों के साथ संपर्क में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दूसरे देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण मामले पर हम सभी के सामने राष्ट्रीय विचार है और इस बारे में राष्ट्रीय एकता की भावना से आगे भी बढ़ेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत ने अब तक 543 लोगों को काबुल से बाहर निकाल लिया है और इनमें भारतीय मिशनों में काम करने वाले 175 लोग और 263 दूसरे भारतीय, 112 अफगानिस्तानी, सिख और हिंदू और दूसरे देशों के 15 नागरिक शामिल हैं। वहीं कुछ दूसरी एजेंसियों ने भी भारतीयों को वहां से निकाला है, जिसमें भारत सरकार मदद कर रही है। अफगानिस्तान से आने वाले वीजा आवेदनों पर तेजी से फैसला करने के लिए और वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए 24 घंटे की निगरानी व्यवस्था तैयार की गई है। एस जयशंकर ने कहा कि हमने वहां से अधिकतर भारतीयों को बाहर निकाल दिया है। कुछ लोगों को बुधवार को भी भारत लाया गया, जो बचे हुए उन्हें भी बाहर निकाला जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता ने जानना चाहा कि अफगानिस्तान में कितने भारतीय अभी भी बचे हुए हैं तो विदेश मंत्रालय स्पष्ट तौर पर इसकी जानकारी नहीं दे पाया। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल के बीच 4 मंत्री सहित 30 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
के राहुल गांधी से मुलाकात और दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद यहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच दिल्ली में जुटे मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि टीम का हर खिलाड़ी कप्तान बनना चाहता है, सवाल उसकी सोच नहीं क्षमता का है। हाईकमान पार्टी के लोगों की भूमिका तय करता है और हम इसे निभाते हैं। सिंहदेव ने साफ किया कि आलाकमान ने कभी ढाई ढाई साल के फॉर्मूले की बात नहीं की। इधर चर्चा है कि भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन अब तक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है बुलावा नहीं उन्हें दिया गया है। सिंहदेव से जब ये सवाल किया गया कि कब तक मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री बनने की अभी कोई बात नहीं है, तो क्या वही 5 साल सीएम रहेंगे? ये पूछने पर सिंहदेव ने कहा कि वो 50 साल, 10 साल या 2 साल तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ये पूछने पर कि क्या नाराजगी खत्म मानी जाए, सिंहदेव ने ये कहा कि विवाद तो भाई बहन के में होता ही है और स्वच्छ स्पर्धा भी रहती है। वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बैठक होने के सवाल को सिंहदेव ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी बैठक की उन्हें जानकारी ही नहीं है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि हाईकमान जब कहेगा सीएम का पद त्याग देंगे। बता दें कि मंत्री डॉक्टर शिव जहरिया, विधायक विकास उपाध्याय गुरुवार सुबह और मंत्री अमरजीत भगत शाम दिल्ली रवाना हुए थे और मंत्री साहू और विधायक सत्यनारायण शर्मा भी दिल्ली में हैं, तो ऐसे में डॉक्टर चरणदास महंत शनिवार को दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कि कल दिल्ली आ सकते हैं वो। इधर मारवाही पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मार्कंड ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऐसा है वैसा ही है, ये ना बदलेगा और ना ही अड़ेगा और हर समर्थक चाहता है कि उसके नेता का सम्मान हो, उसे पुष्प हार मिले, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उन्होंने नई ऊर्जा के साथ अपने नेता का स्वागत किया, तो इसमें कोई बुरा क्या है। वही बता दें कि पीसीसी हमेशा पालक की भूमिका में होता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, हम भी पालक की भूमिका निभा रहे हैं और हमारी नजर में हर नेता बराबर ही है। फिल्म अभिनेता सोनू सूद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। जी हां, उनकी ये मुलाकात दिल्ली में ही होने वाली है और ऐसे में सोनू सूद कोरोना की पहली लहर से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों लोगों को घर पहुंचाने में वो मददगार बने और अब तक कई लोगों की जान भी वो बचा चुके हैं। कोरोना काल में जिस तरह उन्होंने मानवता की सेवा की, लोग उन्हें मसीहा कहने लगे हैं। कई जगह उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, लेकिन सोनू सूद कहते हैं कि वो मसीहा नहीं हैं। अपनी आत्मकथा मैं मसीहा नहीं में लिखते हैं कि मैं असाधारण आदमी हूं और मसीहा नहीं, ये माँ से मिले संस्कार हैं। वहीं इस बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने सोनू सूद से कहा कि सर 1 करोड़ दो मुझे, और इस पर सोनू सूद ने मजेदार जवाब देते हुए लिखा बस 1 करोड़ थोड़े ज्यादा ही मांग लेते। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि सोनू सर मुझे आपकी अगली फिल्म में कोई रोल देंगे क्या? इसका जवाब देते हुए सोनू बोले किसी की मदद करने से बड़ा कोई रोल नहीं है, वो रोल कर ले तेरे से बड़ा कोई हीरो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। इसके मद्देनजर पार्टी ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए खास रणनीति भी तैयार की है। पार्टी ने आलाकमान को सुझाव दिया है कि महापौर पद के उम्मीदवारों का ऐलान चुनाव से पहले कर दिया जाए, तो ऐसे में सोनू सूद की मुलाकात आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होने वाली है और ऐसे में पिछले काफी समय से वो लोगों की मदद भी करते हुए नजर आ रही है। देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 61 करोड़ कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी हैं। एक जानकारी के मुताबिक गुरुवार को तकरीबन 68 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को वैक्सीन की दिशा में एक नया कीर्तिमान कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश में अब तक वैक्सीनेशन योग्य 50% लोगों को पहला टीका
जाल लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की और आबादी के वैक्सीनेशन योग्य 50% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। इसे बनाए रखें भारत, आइए हम कोरोना से लड़े। वहीं देश में जल्द ही 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाने वाली है। शुरुआत में वैक्सीन उन बच्चों को दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन जिन्हें कोई बीमारी नहीं है उन बच्चों को मार्च 2022 से ही वैक्सीन लगाई जाने की संभावना है। हाल ही में बता दें कोविड वैक्सीनेशन पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत की और उन्होंने बताया कि देश में अभी 12 से 17 साल के बीच के 12 करोड़ बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि अभी NTAGI इसकी लिस्ट बना रहा है और देश में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, इसके साथ ही इस बात की भी लिस्ट बनाई जा रही है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियों को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर अरोड़ा ने यह भी बताया कि स्वस्थ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन 2022 की पहली तिमाही में ही शुरू करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के आखिरी तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है और जायकोव डी की वैक्सीन को भी अक्टूबर तक की मंजूरी मिलने की संभावना है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक कई राज्यों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ स्कूल कॉलेज खोल भी दिए हैं। वहीं कई अन्य आने वाले दिनों में शिक्षण संस्थान फिर से खोलने की योजना बना रखे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार भी अगले महीने यानी कि सितंबर से कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। ये जानकारी राज्य के एक मंत्री ने दी है। बता दें सरकार ने इससे पहले जुलाई में अंतिम सप्ताह में राज्य भर में कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोल दिया था। हालांकि 9वीं से 12वीं की फिजिकल मोड में क्लासेस सप्ताह के अंत में ही चलेंगी और ऐसे में बता दें मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हमने अगले महीने मिडिल स्कूलों को फिर से खोलने का मन बना लिया है और जो कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं, लेकिन हम महामारी को देखते हुए इस पर एक और कॉल लेने को लेकर सतर्क हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया जब निजी स्कूल राज्य में सभी कक्षाओं के लिए फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन अक्टूबर के पहले हफ्ते से मिल सकती है। जी हां, 12 साल से 17 साल के बच्चों को दी जा सकती है या नहीं, इस पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि NTAGI की राय के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को हाल ही में भारत के ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज अथॉरिटी राइजेशन भी मिल चुका है। खास बात यह है कि कोरोना के खिलाफ ये दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है। वही ये भारत की पहली वैक्सीन है जिसे 12 साल के ऊपर के लोगों को बच्चों को दी जाएगी और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जायडस कैडिला की DNA बेस्ड कोरोना वैक्सीन जायकोव डी अक्टूबर के पहले हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी। जायडस कैडिला भारत की कोरोना के खिलाफ छठी वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन मिल चुका है और ऐसे में ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों को दी जा सकती है। हालांकि बच्चों को कब से दी जाएगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक इसके बारे में NTAGI यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फैसला कर और सरकार को अपनी राय भी बताएगा जिसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि क्या सभी बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर जो बच्चों को किसी चीज की बीमारी है उन बच्चों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन पर भी कोविड की स्थिति सीमित NTAGI सिफारिश करती है और एक बार सिफारिश हो गई जो अब तक नहीं हुई है। एक बार जब NTAGI इस पर क्या सिफारिश करता है और फिर सरकार उस सिफारिश पर निर्णय क्या लेती है ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में बड़ा फैसला किया है। दरअसल राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और
स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नामकरण उनके नाम पर करने का ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पूरा जीवन जल कल्याण को समर्पित रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल्याण सिंह के नाम से सड़क बनवाने का भी ऐलान किया था और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि लखनऊ, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और प्रयागराज में भी एक एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और योगी के इस ऐलान के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में अब खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने भी ट्वीट कर सीएम योगी का आभार भी जताया है। ग्रेटर नोएडा में सपा के कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी को लेकर एक बैठक की। साथ ही सपा के नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष ने अपने कार्य को लेकर जिला कमेटी घोषित की। वहीं पार्टी को मजबूत बनाने और आने वाले चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर चर्चा भी की। ग्रेटर नोएडा के अल्फा वन में बता दें प्रेस वार्ता कर कार्यकारिणी की जानकारी दी गई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि अब तक 88 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया है, जबकि दो जिले ऐसे हैं जो पूरे देश में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर वन जिलों में हैं। इन जिलों में हमने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया है। धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार में बता दें 7 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच कराई गई और हमारा रिकवरी रेट भी 97% रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2.5 सालों में इतना काम किया कि विपक्ष के लोग भी स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की प्रशंसा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने नर्सिंग स्टाफ से लेकर पैरा मेडिकल स्टाफ और आशा वर्कर के लिए हर स्तर पर नौकरियां निकाली हैं। धन सिंह रावत ने कहा कि हमारे राज्य में अब 2,500 से ज्यादा डॉक्टर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2017 में हमारे राज्य में एक ऑक्सीजन प्लांट था, जबकि आज हमारे राज्य में 88 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनमें से 42 काम कर रहे हैं, बाकी को शुरू करने की प्रक्रिया की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में आज तक लगभग 80 लाख लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है और देश में हमारे दो जिले टॉप वन पे आए हैं कि हमने 100% वैक्सीनेशन वहाँ पूरा कर दिया है। हमारी सरकार द्वारा 67 लाख से ज़्यादा लोगों का जो है कोरोना की जांच कराई गई और हमारा जो रिकवरी रेट है वो जो है 97% है, जो कि पूरे देश में एक अच्छे राज्यों में हमारा राज्य भी शामिल है। हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन 2.5 वर्षों में इतना काम किया है कि सारे रिकॉर्ड आज मैंने सदन में भी रखे, कल भी रखे और आज भी रखे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि सत्ता पक्ष के सब लोगों ने तो तारीफ की कि स्वास्थ्य विभाग के, लेकिन विपक्ष के लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग की बहुत तारीफ की और ये कहा कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में वाकई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने नर्सिंग स्टाफ से लेकर पैरामेडिकल से लेकर आशा वर्कर से लेकर हर स्तर पर नियुक्तियाँ भी निकाली हैं और अपने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने काफ़ी बड़ी योजना चलाई है। हम वॉक एंड इंटरव्यू आजकल हर हफ्ते कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे सर्जन और मिल जाएं। और मुझे ये भी कहते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने राज्य संभाला था तो 2017 में 1100 डॉक्टर कुल यहाँ हमारे राज्य में थे और आज हमारे राज्य में 2,500 से ज़्यादा डॉक्टर आज हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वेंटिलेटर हों चाहे ऑक्सीजन प्लांट जो है, 2017 में एक ऑक्सीजन प्लांट था हमारे राज्य में
और आज हमारे राज्य में 88 ऑक्सीजन प्लांट जो है कार्यरत हैं, जिसमें से 42 जो है काम कर रहे हैं और बाकी इन 15-20 दिनों में उनका उद्घाटन भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।